यार इस मूवी को देखने में टाइम लग गया क्योंकि इससे पहले मैंने एक एपिसोड देख लिया था किसी सीरीज का क्या, उस सीरीज का नाम है माय नेम, एक कोरियन सीरीज है, उसका एक एपिसोड देख लिया था, वो मुझे पसंद आई थी तो सोचा कि यार इसी को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसका रिव्यू भी मैं कर चुका हूं। तो वहां पर जब टाइम लगा तो इसको देखने का टाइम नहीं मिला, और जब वो खत्म हुई तो सोचा यार अब आराम से शांति से इस मूवी को देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे सनक मूवी के बारे में। अब सनक का मतलब जो होता है कि सपोज आपको कोई परेशान कर रहा है, बात में मतलब आपको एक मिनट भी चैन से बैठने नहीं दे रहा, तो आप कहते हो देख ज्यादा बकवास मत कर, अगर मेरी सनक गई ना मतलब कि मैंने अपना दिमाग का यूज करना बंद करके बेकाबू हो गया ना, फिर तेरी खैर नहीं। लिटरली सनक का मतलब तो यही होता है ना। और मतलब ये क्यों बताया ना, अभी बता रहा हूं, देखो सनक और ये मूवी इन दोनों में मतलब कि क्या समानता है, देखो कोई भी समानता नहीं है, बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि नाम क्यों रखा गया है सनक। स्टार्टिंग में ही बुराई कर रहे हो यार, क्या चल रहा है? नहीं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं कि सबसे पहले नाम से स्टार्ट करते हैं ना, तो नाम बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता मूवी को, क्योंकि मतलब वैसा कुछ दिखाया नहीं जाता है, सबके सब इसमें कॉन्शियस माइंड के तरीके मतलब अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, एक्शन सब सोच समझ के चीजें हो रही हैं, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि पागलों वाली हरकतें हो गई, जिसकी सटक गई, ऐसा कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता इस मूवी के अंदर। तो अब इस मूवी की स्टोरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विवान आहूजा एक कैरेक्टर इसके अंदर दिखाया गया है, जिसको प्ले किया है विद्युत जामवाल जी ने। तो यहां पर विवान की जो वाइफ है वो बीमार होती है, हॉस्पिटल में जाती है और उसका इलाज हो रहा होता है, इतने में उस हॉस्पिटल के ऊपर बोला ही नहीं है, उस हॉस्पिटल के ऊपर कुछ लोग अटैक कर देते हैं, टेररिस्ट जो है वो अटैक कर देते हैं। अब विवान को बस अपनी वाइफ को बचाना होता है। खैर इतनी चीजें तो आपको ट्रेलर में देखकर समझ में आएगा, आ गया होगा कि भाई इसकी स्टोरी क्या होने वाली है। खैर इसमें मैंने कोई स्पॉइलर नहीं दिया है, वो आजकल मैं बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा हूं कि कोई भी ऐसी बात ना बोल दूं जिससे आप लोगों का इंटरेस्ट खराब हो जाए और मुझे सुनने को मिल जाए। तो अगर मूवी की स्टोरी की बात करूं कि अच्छी है या बुरी है, मतलब बुरी इन द सेंस कि मैं खराब नहीं कह रहा हूं कि हमारे देखने लायक है या नहीं, तो उसके बारे में बात करें तो मूवी की जो स्टोरी है वो ठीक ठाक है, कोई इतना ज्यादा बढ़िया स्टोरी या फिर हमें कोई सस्पेंस या हमें कोई ट्विस्ट के अंदर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, एक लय में चल रही है, हम उसको देख रहे हैं। सबसे बढ़िया बात जो मुझे इस मूवी की लगी वो है इसके एक्शन, और सच कहूं इस मूवी को देखने का सबसे बड़ी मतलब इच्छा यही थी कि मुझे एक्शन देखने थे। यहां पर मैं स्टोरी की तो इच्छा करके ही नहीं गया था, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि स्टोरी होगी या नहीं होगी। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, कहीं सोचो कि यार बुराई कर रहा हूं, मैं स्पेशली विद्युत जामवाल जी को एक्शन के लिए ही पसंद करता हूं और उनके ही एक्शन मुझे इस मूवी में देखने थे, तो मुझे जैसे एक्शन देखने को मिले मुझे सेटिस्फाई हुआ वो चीज देखकर। और साथ ही साथ देखो यार स्टोरी में ये नहीं कह रहा कि खराब है, बहुत ज्यादा एवरेज से भी नीचे है, नहीं वो ठीक है, और वो ठीक के साथ एक स्टोरी जब दिखाई जाती है अच्छी ठीक ठाक सी एक स्टोरी होती है और उसके साथ बढ़िया से एक्शन होते हैं तो हमारा इंटरेस्ट बना रहता है इस पूरी मूवी के दौरान। और पूरी मूवी की जो जिम्मेदारी है वो विद्युत जामवाल जी के कंधों के ऊपर ही रही है, क्योंकि पूरा का पूरा आप देखें तो फोकस विद्युत जामवाल सर के ऊपर ही रहा है, जैसे उन्होंने एक्शन रिप्रेजेंट किए हैं, वैसे जैसी उनकी इमेज बन गई है कमांडो जो मूवी आई थी उसके बाद एक्शन के नाम पर, मतलब कि बहुत बढ़िया एक्शन वो करते हैं, बहुत जबरदस्त उनके एक्शन होते हैं, तो कोई भी एक्शन मूवी होती है तो सबसे पहले मुझे लगता है कि डायरेक्टर उन्हीं के पास जाते हैं कि हमें आपके साथ ये मूवी करनी है, तो वो तो उसको बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और एक स्टार्टिंग के अंदर ही इस मूवी में एक इमोशनल एंगल भी देखने को मिलता है और बहुत अच्छे से उसके ऊपर फोकस किया गया, हमें उसके साथ कनेक्ट होने का भी मौका मिलता है और हम हो भी जाते हैं, तो अच्छी गई है स्टार्टिंग की बात करें तो। फर्स्ट हाफ मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत कमी आ जाती है इस मूवी में। परफॉर्मेंस की बात करूं तो एक कलाकार रुक्मणी मित्र, मैंने उनका नाम लिखा मैत्रम, तो उनकी ये फर्स्ट बॉलीवुड मूवी है तो उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, विद्युत सर ने भी बहुत बढ़िया मतलब इसमें काम कर रखा है। अब विलन जो इसमें दिखाया गया, देखो ट्रेलर में तो काफी भयानक सा एक वो लग रहा था कि हाँ इससे डर लगेगा, लेकिन कुछ इतना खास प्रभाव उसका भी नहीं होता है। लास्ट में जो एंडिंग दिखाई गई है वो भी ठीक ठाक है, हम हजम कर लेते हैं। एक इसमें जो पुलिस का जो किरदार देखने को मिलता है एसीपी ऐसे करके जिसको प्ले किया है नेहा धूपिया ने, वो इट्स हर चॉइस वाले, तो वो ठीक थे यार, वो उसमें थोड़ा सा मुझे डाउन लगा वहां पे। ये मूवी उन लोगों के लिए है जो एक्शन के दीवाने हैं, उनको तो ये मूवी अच्छे से सेटिस्फाई कर देगी क्योंकि बढ़िया एक्शन इसमें किए गए हैं। और वास्तव में जैसे मैंने देखे हैं तो मैंने ऐसा पुराना वाला ऐसा कुछ देखा नहीं कि हाँ यार ये वाला तो ऑलरेडी देख रखा है मैंने यहाँ पे, तो वैसा कुछ नहीं है। एक
ग्रिप बनी रहती है, हम उसके साथ कनेक्ट रहते हैं, सांसें ऊपर नीचे हो रही होती हैं, वो जो वो एक्शन देख रहे होते हैं। तो एक्शन की तरफ से तो बहुत बढ़िया मूवी है। तो जिनको लगता है कि यार हमें कोई कंटेंट देखने को, स्टोरी देखनी है, तो उनको ये निराशा यहाँ पर इसमें हाथ लगने वाली है। तो इसमें इतनी ज्यादा बढ़िया स्टोरी आपको देखने को नहीं मिलेगी, टर्न एंड ट्विस्ट इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। खैर वैसा तो मैं इसमें सोचकर भी नहीं इसको देखने नहीं बैठा था। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 6.5 out of 10 स्टार। अगर आप लोगों ने इस मूवी को देख रखा है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी, और जिन्होंने नहीं देखी तो बेशक आप लोग इस मूवी को देखें, काफी अच्छी एंटरटेनिंग है ये मूवी। कोई भी इसके अंदर एडल्ट सीन नहीं है, ज्यादा वॉयलेंस नहीं है, मतलब एक्शन अच्छे हैं लेकिन वो एक्सट्रीम लेवल वाले कोई वॉयलेंस नहीं है, तो काट छांट वाले वो वाला इसके अंदर नहीं है। एक्शन देखकर आपको काफी अच्छा लगेगा, तो ये कह सकते हैं कि फैमिली ड्रामा मूवी तो है ये मूवी। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।